हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शादाब बोल रहा था भाई। तो हाँ शादाब भाई, बताइए, सब खैरियत? जी हाँ भाई, तो एक बात ये पूछनी थी खान साहब कि एक वो होता है इस्तखारा जी जो निकाला जाता है, मर्जी अल्लाह की पूछी है जिसमें कुछ पढ़ पढ़ा के, तो ये हमारे लोगों में जायज है? हाँ हाँ भाई, इस्तकारा बिल्कुल जायज़ है, और इस्तकारा अच्छा करना तो मेरे भाई सुन्नत है। अच्छा बस मसला ये है कि इसमें जो तरीका है जी। उसका मामला अलग अच्छा, है। इसमें क्या हाँ, तरीका था? यानी कि कुछ लोग हैं, जैसे मतलब कुछ भाई बिदती टाइप के लोग जी हैं, वो जी लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि भाई अपना बैठे बैठे उनसे कोई सवाल पूछता है और वो बैठे बैठे उसका जवाब दे देते हैं। आप समझे, जी जैसे एक पहले प्रोग्राम आता था, एक कोई वो टीवी चैनल था, उसका नाम था गालबन क्यू टीवी। जी तो उसमें एक बकायदा एक आता था, शो आता था, उसका नाम था इस्तखारा। अब वो जो जी शो होता था, उसमें फोन कॉल पे कोई आदमी कोई औरत अपना सवाल पूछती थी कि मौलवी साहब हम यहाँ पे रहते हैं, मैं बांग्लादेश से बोल रही हूँ, तो मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, तो मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, मेरा मसला ऐसा है कि सऊदी अरब मेरे को जाना है रोजी रोटी के लिए, तो वहाँ मेरा जाना ठीक है कि नहीं। तो वो मौलवी साहब वही अपनी स्टूडियो से बैठे बैठे 2 मिनट में बता देते थे कि नहीं, मैंने इस्तकारा में भी देखा कि आपका जाना वहाँ सही नहीं है, या वो मतलब भाई बोल रहे हैं कि नहीं आप जा सकते हैं, आपका जाना बहुत अच्छा है, बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके का जो इस्तकारा है कि वह बैठे बैठे एकदम मिनटों में काम तमाम वाला, तो वैसा वाला इस्तकारा भाई नहीं है इस्लाम में। इसको अच्छा कहते हैं बिदती इस्तकारा। जी। अच्छा, ये जो है तो फिर सुन्नत की रोशनी में मतलब किस तरह से है ये? भाई सुन्नत की रोशनी में जो इस्तकारा करने का जो तरीका है वो ये है कि भाई 2 रकात आपको पढ़ना है नफिल, ठीक है, और नफिल पढ़ने के बाद फिर आपको अपना जैसे नॉर्मली आप पढ़ते हैं नमाज, अपनी नमाज पढ़ना है। उसके बाद कायदे में आपको आके, यानी कि दूसरी रकात में जब आखिरी आप उसमें बैठेंगे कायदे में, तो अत्तहियात पढ़ लेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद अपनी मेरे भाई दुआ कर लेंगे, उसके बाद इस्तखारे की दुआ है वो आप मेरे भाई पढ़ेंगे, और उसमें अल्लाह सुबहान तआला से अपना मशवरा करेंगे, और उसके बाद भाई अपने दाएं बाएं जाने अपना सलाम फेर देंगे। अब इस्तकारे की जो दुआ है किसी को याद ना हो तो उलमा ने कहा है कि भाई इस्तकारे की अगर जो मतलब दुआ है अगर वो देख के पढ़ना चाहता है तो 2 रकात अपनी भाई वो नफिल एकदम जो सादी होती है नॉर्मल अपना उसको पढ़ जी ले, और उसके बाद सलाम फेरने के बाद जो वो इस्तकारे की दुआ है उसको पढ़ ले, और दुआ के बाद अपना अल्लाह के ऊपर छोड़ दे मशवरा। अब लोग क्या कहते हैं कि नहीं इस्तकारे की नमाज पढ़ी तो ख्वाब में आएगा, ठीक है, और बहुत सारे लोग होते हैं भाई वो नमाज पढ़ते हैं जा नमाज पे ही सो जाते हैं, क्या जा नमाज पे सो जाएंगे ख्वाब में आ जाएगा, क्या फला से शादी करें कि ना करें, फला जगह जाए कि ना जाए, फला जगह मतलब दुकान खोले कि ना खोले, फला जगह मकान ले कि ना ले, तो हम सो जाएंगे तो हमें ख्वाब में आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है ख्वाब में अल्लाह ताला आपको इशारा दे दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ख्वाब में ही आपको अल्लाह मशवरा दे। हो सकता है आप मेरे भाई चाहते पीते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, पता कर रहे हैं, और आपको मेरे भाई बाहर लोगों से बात मतलब भाई सुनने में आई, क्या जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरी मेरे भाई बेटी है, ठीक है, हमको उसकी शादी करनी है फला आदमी के बेटे से। अब मैंने मेरे भाई इस्तकारा किया कि ए अल्लाह ताला मेरी बेटी के लिए जो ये फला जो आदमी उसका बेटा वो सही है या नहीं, अगर अच्छा हो तो रास्ते आसान कर दे, और अगर इसमें शर हो तो इससे हमको रोक दे। ये मैंने मेरे भाई इस्तकारे की नमाज पढ़ के इस्तकारे की दुआ पढ़ी और अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अब हो सकता है कि मुझे ख्वाब में मतलब भाई इसके बारे में आ जाए कि नहीं वो लोग बहुत शरीफ है, या वो लोग मतलब बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं, 420 किया है, या हो सकता है मेरे भाई जनरली अपने माहौल में जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वहां से कुछ लोगों ने हमको बताया नहीं यार ये जो फला जो आदमी है बड़ा मेरे भाई कज़्ज़ब है, झूठा है, फला आदमी का पैसा मार रखा है, या हो सकता है मेरे भाई चार लोग उसकी तारीफ करें
यानी बड़ा नेक है, बहुत परहेजगार है, बहुत दीनदार है, तो इससे भी अंदाजा आपको हो जाएगा, अल्लाह ताला उस रास्ते पे आपको लगा देगा, आपको इशारा मतलब भाई वो लोगों के जरिए आपको दे देगा कि हाँ वो फला आदमी के बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊं कि ना कराऊं। इसके लिए ये नहीं कि निखाब में ही आएगा कि हाँ कराओ या ना कराओ। और हो सकता है कि एक बार मेरे भाई आप इस्तकारे की नमाज पढ़े तो कोई मशवरा ना आए तो मेरे भाई दोबारा आप उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा से फरमाया कि तुम इसको एकदम मजबूती से पकड़ लो, जो ये इस्तकारे की नमाज है इसको मजबूती से इसको मामूल अपना बना लो। आप समझ रहे, ये नहीं कि बस जिंदगी में एक बार इस्तकारे की नमाज पढ़ ली और बस हम मशवरे के इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं यार बताओ मैंने इस्तकारे की नमाज भी पढ़ ली और कोई फैसला ही नहीं आया और जो मैंने फैसला समझा वो कर लिया उसमें तो मेरा नुकसान हो गया, यार क्या फायदा हो गया इस्तकारे की नमाज पढ़ने से। तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में मामला आपका सॉल्व हो जाए, पढ़ते रहिए, मामूल बना लीजिए, कोशिश कीजिए कि जुमे वाले दिन एक कोई टाइम अपना फिक्स कर लीजिए कि भाई इस टाइम हम दो रकात अपनी नफल पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे भाई इस्तकारे की दुआ करके अल्लाह से ये फला मामले में अपना जो मशवरा है उसको मांगेंगे। तो ये कंटिन्यू आप करते रहिए इंशाल्लाह, तो इस्तकारे की अल्हम्दुलिल्लाह जो नमाज है उसमें काफी मतलब बरकतें हैं, ठीक है। तो आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, लेकिन ये जो मेरे भाई टीवी स्टूडियो में बैठ के दो मिनट में इस्तकारा करके बता देते हैं कि हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है, हाँ फला ने जादू कराया है कि नहीं कराया, ये जो मेरे भाई इस्तकारा है ये फर्जी है, डुप्लीकेट है। ठीक है और इस्तकारे की मतलब जो भाई वो दुआ है वो दुआ गालबन एक मतलब हदीस है बुखारी शरीफ की और हदीस का नंबर है 1166, उसमें इस्तकारे की जो दुआ साबित है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अब दुआ तो मेरे को याद मतलब भाई है नहीं तो मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ तो वो जो दुआ है उसका हवाला है सही बुखारी हदीस नंबर 1166, 1166। तो इसमें आप आराम से इसको मेरे भाई देख के उसको अपना पढ़ सकते हैं और अगर याद हो जाए तो सबसे बढ़िया कायदे में पढ़े, याद अगर नहीं है तो सलाम फेरने के बाद देख के पढ़ लें, ठीक। बस मुझे यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आपने कर दिया, यही सोच रहा था कि है या नहीं है हम लोगों में। आप नहीं, नहीं हम लोग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि ऐ साहबा इसको मामूल बना लो। जी। तो ये नमाज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साबित है, सुन्नत से साबित है और इस्तकारे की नमाज के बहुत फजाइल हैं और बहुत फायदे हैं, लेकिन ये उनको फायदा देगी जो पांचों टाइम की फराइज अदा करते हैं, ये नहीं कि फराइज तो छोड़ते जा रहे हैं और खाली इस्तकारे की दो रकात नमाज पढ़ के इंतजार कर रहे हैं कि आज ख्वाब में हमारे फैसला आएगा, तो वो ऐसे लोग को कोई फायदा नहीं है। जो फराइज अदा कर रहा है, पांचों टाइम की नमाज पढ़ रहा है, उसके बाद उसको अल्लाह से मेरे भाई मशवरा चाहिए तो वो इस्तकारे की नमाज पढ़े और पढ़ता रहे और अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, इंशाअल्लाह उसके सामने दूध का दूध पानी का पानी या अल्लाह ताला कोई इशारा दे देगा कि ये काम मतलब करना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, अल्लाह ताला दिल और मेरे भाई दिमाग पे उस बात को डाल देगा कि नहीं ये मैं करूँ या ना करूँ, तो ये होगा ना कि हम मेरे भाई फराइज छोड़ लो खाली इस्तकारा करके बैठे हुए क्या देखें क्या होता है, तो देखें क्या होता है तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे यकीन के साथ करना पड़ेगा। ठीक है इंशाल्लाह ताला। हजरत खान साहब मैंने यही मालूम किया आपसे और थोड़ा सा मेरी वाइफ ने पूछा कहा कि उनसे पूछ के देख लो, मैंने सही राह मिल गई, अब मैं यही बात उसको बता दूंगा सर। ठीक है ओके, अस्सलाम वालेकुम।